Hello everyone, welcome to my Indrolog channel. On this video I will show you that how to create liquify effect on Canva. Also I am going to tell you that how to buy Virat Kohli Evian water. So let's start. तो शुरू करते हैं. First क्या करना है मैं आपको step by step आपको सब कुछ दिखा दूंगा बता भी दूंगा. तो फर्स्ट ये जो मैं क्रिएट किया हूँ ये पिक्चर कैसे कैसे क्रिएट किया हूँ और क्या 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 ये लगेगा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल करने जा रहा हूँ. समझ लीजिए ये कोई पिक्चर है जो आपको यहाँ पे इफेक्ट डालना है. तो उसके लिए आपको पहले क्लियर वाटर सरफेस पहले ये क्लियर वाटर सरफेस जो है ये आपको लेना है. ये आप गूगल से भी ले सकते हैं जहाँ कहीं भी फ्री फोटो वेबसाइट है वहाँ से भी जाके ले सकते हैं या फिर आपको pixel.com या गूगल से भी ले सकते हैं फोटो. फिर इसको फोटो लेने के बाद आपको बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा जैसे हमने किया है. ये बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद काम में लगेगा. क्या करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते जा रहा हूँ. तो मैं एक्चुअली ये तीन फोटो है आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा डालना पड़ेगा. ये है पूरा एक पिक्चर ये दो पिक्चर है ये दो नंबर पिक्चर है जो क्लियर वाटर है और ये आपका मेन पिक्चर है और ये आपका हुआ है उसका ऑपोजिट पिक्चर जो इस्तेमाल कर रहे हैं मेन पिक्चर में. तो आप यहाँ पे सीधा क्लियर वाटर सरफेस इमेजेस सॉरी सरफेस इमेजेस आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं. क्लिक करने के बाद ये आएगा आपका इमेज डिटेल्स. उसके बाद आपको करना क्या है फिल्टर करना है. फिल्टर में आप यहाँ पे जाके ये फिल्टर में क्लिक कीजिएगा लाइसेंस में क्लिक कीजिएगा फिर ऑल क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में क्लिक कीजिएगा. ऑल क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा जो जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने चैनल में या वीडियो बनाने के लिए. ये रहा जो आपका क्लियर वाटर सरफेस पिक्चर जो मैं इस्तेमाल किया हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर जो मन पसंद आए आपका पसंद आए वो सारी पिक्चर आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं. बहुत सारा पिक्चर यहां पे है आप ढूंढ सकते हैं आप देख सकते हैं. तो ऐसा कोई बात नहीं कि यही पिक्चर आपको लेना है लेकिन मैं मेरे काम के लिए मैं यही पिक्चर इस्तेमाल किया हूँ क्योंकि ये सही है ये अच्छा लग रहा है इस मेरे हिसाब से इसलिए मैं ये पिक्चर लिया हूँ. तो ये डाउनलोड करने के बाद आपको ये जो पिक्चर है ये वाला पिक्चर ये रहा वो वाला पिक्चर. तो मैं करने जा रहा हूँ आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके देखिए ध्यान से. मशीन का डेफिनेशन बोलो. सर अ मशीन इज एनीथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट सर. विल यू प्लीज इलैबोरेट. फर्स्ट ये जो आपका साइज है ये इंस्टाग्राम पोस्ट से लिया गया है. ये इंस्टाग्राम पोस्ट जो होता है ये इंस्टाग्राम पोस्ट से हमने ये लिए सिलेक्ट किया है ताकि ये अच्छा लगे. तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा. उसके बाद राइट क्लिक कीजिएगा राइट क्लिक करके सेट इमेज बैकग्राउंड कीजिएगा सेट इमेज बैकग्राउंड हो गया. उसके बाद आपको ये जो आपका प्रोडक्ट है मान लीजिए ये आपका प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट यहाँ पे लिया लेके ये मिडिल अलाइन किया. मिडिल अलाइन करने के बाद आपको यहाँ पे सेट हो गया सीधा जैसे आपको रखना है आप उस हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट को इमेज को आप यहाँ पे मिडिल पे रख सकते हैं. उसके बाद आपको ये यहाँ पे डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा और एक ठो डुप्लीकेट बना लीजिए कॉपी करके
पेस्ट कीजिए, यहाँ पे इसको नीचे डाल दीजिए, नीचे ड्रैग करके डाल दीजिए, डाल देने के बाद इसको फ्लिप कर दीजिएगा। फ्लिप हो गया और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा ऊपर और नीचे वाला जो बोतल है या पैकेट है उस पैकेट में थोड़ा ऊपर नीच करके एडजस्ट कर लीजिएगा। ये वाला देखना, ये वाला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हाँ आ गया आपका, यहीं पे एडिट इमेज पे क्लिक करके आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा लिक्विफाई, तो लिक्विफाई ये आ जाएगा। तो लिक्विफाई ये आने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद चलेंगे थोड़ा सा। ये जो सेक ऑप्शन है, ये सेक ऑप्शन ये सिलेक्ट होना चाहिए। हाँ, ये नीचे वाला आप यहाँ पे ब्लर कर रहे हैं या सेक कर रहे हैं या नीचे वाला थोड़ा हेजी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेक के ऊपर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, थोड़ा हेजी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये अप्लाई कर दीजिए, या फिर आपको थोड़ा चेंज करना है तो यहाँ पे जाके ये सेटिंग्स वाला जो ऑप्शन है, ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन में आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा हो गया है, आप अपने हिसाब से ये थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा और भी डिटेल, ये थिकनेस कितना होगा, ये क्या रखेंगे, ये कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फिर फोटोजेनिक ऑप्शन में आइए, फोटोजेनिक ऑप्शन में बहुत सारा ये है, चेक कर लीजिए कौन सा अच्छा लगेगा। ये स्टार गराज है, मैं गराज का ओनर बाबूराव आपते बोल रहा हूँ, दैवी प्रसाद का घर नहीं है। हाँ, आप ये जो आपका फोटोजेनिक ऑप्शन में आया है, ये फोटोजेनिक ऑप्शन में आने के बाद आप ये तुंद्रा वाला जो ऑप्शन है, ये आप उस अपने हिसाब से ये वाला चीज़ आप कर सकते हैं सिलेक्ट, ताकि ये थोड़ा इमेज थोड़ा हल्का हो जाए। और इसका सेटिंग्स भी है, इंटेंसिटी कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं, तो मैं नहीं कम करना चाहता हूँ। फिर ये एडजस्ट में आ जाइए, फिर एडजस्ट में आके आपको ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया, अब आते हैं जो आपका 3 नंबर जो आपका ये है, जिसको आपने हमने बोला था इमेज आपको बैकग्राउंड आपका ये हटाने के लिए आफ्टर ये डाउनलोड जब आप कर लीजिएगा ये वाला फोटो एक बार बैकग्राउंड रिमूवर से बैकग्राउंड हटा लीजिएगा। बैकग्राउंड रिमूवर कैसे हटाना है, ये यहाँ पे ऑप्शन, अगर आपका कैनवा प्रो है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड रिमूवर। अगर बैकग्राउंड रिमूवर नहीं कर पाएंगे वहाँ पे आपका कैनवा प्रो नहीं है, तो ऑनलाइन बैकग्राउंड रिमूवर जो है
उससे काम कर लीजिएगा। मैं बैकग्राउंड रिमूवर आ गया, तो बैकग्राउंड रिमूवर से यहाँ पे यहाँ से जो जितना सारा वेबसाइट है, जितना सारा वो वेबसाइट है, कहीं भी जाके बैकग्राउंड रिमूव कर लीजिएगा ज़रूर, नहीं तो ये दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। फिर इसको यहाँ पे बैठाना है, ये यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे इमेज तो आ गया है। फिर यहाँ पे उस हिसाब से आपको सेट कर लीजिएगा। देखिए हमने सेट कर लिया। अब आपका पूरा लिक्विफाई इफेक्ट आपको कंप्लीट हो गया है, आपका ये प्रोसीड्योर जो था ये डन हो गया है, ठीक है। और आपको हम अभी सिखा रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं कि आप ईवीएन आपको कैसे आपको मिलेगा। ईवीएन जो वाटर है वो यहाँ पे टाइप कीजिएगा ईवीएन, तो आपका पूरा यहाँ से डिटेल्स मिल जाएगा। ये कोई प्रमोशन वाला प्रोडक्ट हम नहीं कर रहे हैं। अमेजन देखिए यहाँ पे अमेजन आ गया है, अमेजन में क्लिक कीजिएगा तो आपको लेके जाएगा प्रोडक्ट में, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, जाके आप बाय नाउ कर सकते हैं या कोई भी आपको ई कॉमर्स वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, बहुत सारा ईवीएम बोतल है, मैं ये ईवीएम बोतल का बात कर रहा हूँ, बहुत सारा बोतल, क्योंकि ये 500 ml है, 500 ml में आपको दो ठो खरीदने से एक ठो आप पी के आप चेक कर पाएंगे कि अच्छा है कि नहीं है। 500 ml का बोतल, देखिए ये होता, ये ईवीएम वाटर है और ये विराट कोहली का पीते हैं, और ये ऑक्सीजन मात्रा बहुत अच्छा है, ज़्यादा है, तो इसीलिए ये ईवीएन वाटर विराट कोहली पीते हैं। तो ये है प्राइस, आप खरीद सकते हैं यहीं से, ठीक है। और आपको इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको लेना है तो ये ईवीएन वेबसाइट का ये आपको दिखाई दे रहा है यूआरएल, इस पर क्लिक करके आप पूरा डिटेल्स आप देख पाएंगे, ईवीएन वाटर क्या है, क्या नहीं है, क्या डिटेल्स है, कैसे ये ईवीएन वाटर सप्लाई होता है, कहाँ से होता है, और ईवीएन वाटर पीने से क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये पूरा डिटेल्स आपको यहीं से मिल जाएगा। एक्चुअली ये आपको फ्रांस से ये ईवीएन वाटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहीं पे कंपनी है, वहीं से आता है ईवीएन वाटर, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल आपको पढ़ना है, जानकारी लेना है, तो यहीं से आप जानकारी ले सकते हैं। ग्लेशियर्स का ये ग्लेशियर से आता है मिनरलिस, वहीं से ये बनाना, वहीं से बना के भेजा जाता है। ठीक है, ये नेचुरल है, रिफ्रेशिंग है, हाइड्रेटिंग है, और यहाँ पे मिनरल्स वाटर जो है वो यहीं से रेडी होके बना के यहीं से सप्लाई किया जाता है। तो आपको अगर ख़रीदना है तो यहाँ से खरीद सकते हैं, और अगर जानकारी लेना है तो यहीं से जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है सीधा फ्रेंच आल्प्स जो है, वहाँ पे जो माउंटेन है वहीं से आपको ये मिनरलाइज करके और कंपोजिशन जो है वहीं पे कूल, और ये सारी जो है ये वहीं से ही बनता है। लर्न मोर करके आप यहीं से आपको पूरा डिटेल्स आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये ग्लेशियर से आता है, ग्लेशियर जो है वो ग्लेशियर से ही आता है बना के। ऑल राइट, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है, इतना ही का हम आपको
ये कंप्लीट किए हैं। अगर आप आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर कोई जानकारी आपको लेना है। और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम दिखा दिए हैं, वीडियो पॉज एंड प्ले करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर अंडरस्टैंड तो अगर प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है तो ठीक है। आपको मेनली तीन इमेज लेना है, एक ये वाला इमेज, एक पूरा ये वाला इमेज और एक ये वाला इमेज, ठीक है। इस छोटा इमेज जब लीजिएगा तो आपको बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। बैकग्राउंड रिमूव ऐसे करने के बाद आप यहाँ पे आप सिलेक्ट ये कर लीजिएगा जैसे हमने किया है। तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट, ये है मेरा सेकंड प्रोडक्ट, ये थर्ड प्रोडक्ट, ये फोर्थ प्रोडक्ट और ये EVN का प्रोडक्ट है जो मैंने बनाया है। देखिए ये एक इमेज है, ये दो इमेज है, ये तीन इमेज है जो बैकग्राउंड रिमूव किया हूँ और ये एक छोटा इमेज हम यहाँ पे डाले हैं, ठीक है। तो इतना सारा इमेज हम यहाँ पे देके हम यहाँ पे कंप्लीट किए हैं ये प्रोजेक्ट को। थैंक यू।